वेलकम गाइस। तो अब हम पहुंच चुके हैं फिश फाइंड पे। मेन पार्ट से फिश फाइंड की दूरी करीब 12 से 13 किलोमीटर के बीच है। आप यहां आसानी से टू व्हीलर या फोर व्हीलर में आ सकते हैं। नाम से आपको ऐसा प्रतीत होता होगा कि यहां सभी और फिश ही फिश है, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। फिश फाइंड एक झरना है जो प्राकृतिक सुंदरता से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो चलिए चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं फिश फाइंड। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे ग्रुप के मेंबर काफ़ी थक चुके हैं, पर वे धीरे धीरे अपने कदम फिश पॉइंट की ओर बढ़ा रहे हैं। तो अब हम फिश पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। आपको अब वहां का नज़ारा दिखा रहे हैं। वो देख सकते होंगे झरना, यहाँ बहुत टूरिस्ट आए हैं घूमने के लिए। आप यहाँ फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ आके कुछ खुशी के पल एंजॉय कर सकते हैं। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। फिश पॉइंट का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ आपको दो झरने देखने को मिलेंगे जो प्राकृतिक रूप से चारों ओर से घिरी हुई हैं, और यहाँ के झरने की कलकल की आवाज़ आपके मन को मुग्ध कर देगी। यहाँ पे लोग दूर दूर से घूमने तथा पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। यहाँ आसपास के जगहों को आप देख कर अनुमान लगा सकते होंगे कि यहाँ कितने लोग पिकनिक मनाने और घूमने आए हुए हैं। तो गाइस, अभी हम हैं यहाँ मछली पॉइंट पे, जिसको फिश पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं कैसा यहाँ का व्यू है। तो हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए। ये है अपना फिश पॉइंट, और फिश पॉइंट का नज़ारा आप देख सकते हैं वीडियो में कैसा नज़र आ रहा है। और यहाँ से लोकेशन बेहद ही अच्छा नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही गहरा है। वीडियो में आपको गहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही गहरा है। और यहाँ इतने पास से आपको व्यू दिखा रहे हैं। आप कभी भी इतने पास आने की ज़रूरत ना करें, क्योंकि खतरा हो सकता है यहाँ पर। अब हम यहाँ फिश पॉइंट को घूम चुके हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो तब तक के लिए यहाँ टाटा बाय रहेगा। अगर टाइम रहेगा, अपने पास समय रहेगा, तो आपको उल्टा पानी भी दिखाएंगे और उल्टा तालाब भी दिखाएंगे, जहाँ से क्या होता है आपका बाइक या कार हो वो भी घाट की ओर ऊपर चढ़ने लगता है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।